आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो भारत से चीन में गया तो भारत का नाम रोशन कर दिया। दरअसल भारतीय के नाम पर चीन आज भी इसके मूर्ति के ऊपर सर झुकाते हैं, और जो भी चीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो इसकी फैमिली को सर झुका के जरूर जाते हैं। और चीन का ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुआ जो इसकी फैमिली से मिलकर ना जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस की। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र के सोलापुर नामक गांव में हुआ था। 1938 में चीन और जापान के युद्ध के समय चीन में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिस जो लाइलाज हो गई थी, जैसे आज कोरोना वायरस। आज के कोरोना वायरस की तरह ही इत्तेफाक के कारण वह भी वुहान से ही जन्मी थी, और चीनी वैज्ञानिकों द्वारा इसका हल निकालना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण चीन ने दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगी, जिसमें से एशिया की सबसे पहली टीम भारत की गई थी, जिसमें से 5 लोग गए थे चीन की मदद करने। इस्लामाबाद के डॉक्टर एम अटल, नागपुर के एम चोलकर, कोलकाता के बी के मसुक, महाराष्ट्र के द्वारकानाथ शांताराम कोटनेस और देवेश मुखर्जी, जो भारत से चीन की इस बीमारी को हटाने के लिए गए थे, और इस बीमारी को सबने मिलकर बड़ी प्रमुखता पूर्वक से हटा दिया। इन 5 डॉक्टरों में से 4 डॉक्टर तो वापस भारत आ गए, पर डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनेस ने वहीं रहने का फैसला किया और अपनी एक मोबाइल शॉप के जरिए चीन में ही दुकान खोल ली। पर उसके बाद 1940 में द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय चीनी सैनिकों को इलाज की सख्त ज़रूरत थी, जिनके कारण इन्हें दोबारा डॉक्टरी ज्वाइन करनी पड़ी। 1941 में उन्होंने गो नाम की एक नर्स से शादी कर ली। इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है येन हुआ। येन यानी भारत, हुआ यानी चीन, यानी भारत यानी चीन के मित्रतापूर्वक रिलेशन को इन्होंने येन हुआ का नाम दिया था। पर इनके बेटे के जन्म लेने के 3 साल बाद ही इनका निधन हो गया। उनकी इन्हीं सेवा बलिदान के कारण चीन के सभी लोग और चीन के राष्ट्राध्यक्ष इन डॉक्टरों की जगह जगह पर मूर्ति लगाई हुई है। इनके नाम से चीन में एक म्यूजियम, एक स्कूल और एक कॉलेज है, और चीन का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इनकी फैमिली से मिलकर जरूर जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।